भी सबकी हालत खराब थी भाई साहब जी, घरों में आग लगाने की कोशिश कर ली थी। फोन कर डाले तुम्हारे विधायक साहब को, फोन कर दिया घरों में आग लगा दी, उनके नंबर से वहां कर दिया, हमारे कारोबार में बिल्कुल तोड़ भी दिया। सबके साथ बुरे हाल करे, उन लोग के पास असले थे, हर चीज थी उन लोग के पास, बंदूकें थी, असले थे, यानी ऐसी कोई चीज नहीं थी जो लोगों ने अपनी कमी नहीं छोड़ी चीज के लिए। ये लोग सिब्यार के बाहर के, ये भाई सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, सिब्यार के 10% है, 90% सारे बाहर के लोग आरएसएस वाले। अब ये नहीं कह सकते कि आरएसएस वाले मेरे हैं, सब यही के भाई साहब है, सब वही समझे, और बहुत बुरा हाल करते हैं। किस टाइम आए थे तुम? किस टाइम आए थे? हम लोग आए थे रात 9 बजे आए थे, 9 बजे आए थे यहाँ पे, लेकिन खाने से भी सबकी हालत खराब थी भाई साहब जी, घरों में आग लगाने की कोशिश कर ली थी। फोन कर डाले तुम्हारे विधायक साहब को, फोन कर दिया घरों में आग लगा दी, उनके नंबर से वहां कर दिया, हमारे कारोबार में बिल्कुल तोड़ भी दिया, घर में आग लगा दी है, कोई फायदा नहीं मिला भाई साहब। आखिर को हमने अपने परिवारों को खुद लेके आए भाइयों, घरों में आग लगा दी है, कम से कम 500 परिवार यहाँ पड़े हुए, और ये पड़े हुए सारे परिवार, ये देखो ये सब परिवार आए, घरों से निकल निकल के सबके घरों में आग लगा दी गई है। भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भेजें, ना मीडिया यहाँ पे ना कोई है यहाँ पर, सब परेशानी में, ऐसे ऐसे 5-6 हॉल भरे हुए हैं यहाँ पर लोगों के, मस्जिदों में भी है, लोग बहुत परेशान है। इस टाइम आई थी आप अपने घर से रात को, सुबह के 5 बजे जान बचा के आए लोग, हमारे 4-5 भाइयों में मतलब वे घर में बंद थे, गैस सिलेंडर घर में आ गए, ये देखो भाई ये भी हॉल, सारे हॉल भरे हुए जितने भी हैं, सब हॉल भरे हुए, सब परेशान है, सब अपना घर छोड़ गए।